बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की तैयारी भी कर रहे होंगे और उसका बेचैनी से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज यूट्यूब किचन में मैं न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारी यूट्यूब किचन में बन रहा है बीफ के पाए। बीफ के पाए बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पाया हमने ले लिया, उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिए। हाफ के जी हमारे पास बोंग का गोश्त है, 3 से 4 अदद हमारे पास टमाटर हैं, 1 प्याज है, अदरक का टुकड़ा है और लहसुन की 1 गठी है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है पिसी हुई, थोड़ा सा गरम मसाला है, दालचीनी, 2 इलायचियाँ बड़ी, लौंग और काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी है और तड़के के लिए 1 कप जो है हमारे पास कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है और 4 से 5 अदद सुरख मिर्चें हैं। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ग्राइंडर ले लेना है। ग्राइंडर में हमने क्या करना है, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर इनको बारीक पीस लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फ्लेम हमने ऑन कर लेनी है। इसके ऊपर एक कुकर ले लेंगे, साफ हमने कुकर रख लेना है। इस सबसे पहले इसमें पाई डाल देंगे। 3 गिलास मेरे पास पानी है, वो शामिल कर देना है इसमें। अब जो हमारे पास मसाले हैं वो शामिल कर देंगे इसमें हम, हल्दी, गरम मसाला, सूखी मिर्चें। मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तेज़ या हल्की, और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। नमक, पिसा हुआ धनिया और जो पेस्ट हमने बना लिया था टमाटर, लहसुन, अदरक का, वो भी इसमें डाल देंगे। और 3 गिलास पानी मज़ीद इसमें डाल देंगे। अब इसको बॉयल आने देंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें तकरीबन हमने 5 से 6 गिलास पानी डाला है। और एक और बात इनमें रखनी है कि अभी हमने सिर्फ इसमें पाए डाले हैं, अभी हमने इसमें गोश्त शामिल नहीं किया। पाए देर से गलते हैं और गोश्त जल्दी गल जाता है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब वेट के हिलने का इंतज़ार करते हैं। वेट हिलना स्टार्ट हो गया है। अब हम फ्लेम मीडियम से लो कर देंगे। और इसको 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मिलते हैं 45 मिनट के बाद। मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से वेट हटा देंगे तो प्रेशर रिलीज कर लेंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे क्या सूरत हाल है। इस स्टेज पर हम फ्लेम दोबारा ऑन कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो गोश्त हमने लिया था बोंग का, वो शामिल कर देंगे। और इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के इसको 40 मिनट्स के लिए दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। वेट का हिलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए वेट हिलना स्टार्ट हो गया है। अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे, उसको 40 मिनट्स के लिए हमने पकने के लिए रख देना। टाइम आपसे नोट कर लेंगे। हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी
प्रेशर कुकर की प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया है, अब हम इसको खोल के ढक्कन देखते हैं इसका। ये देखिए ये पाए बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखिए गल गए हैं बिल्कुल। अब कुकर हम साइड पे रखेंगे और उसको तड़का लगाएंगे। एक सॉस पैन ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे, इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, सूर्ख मिर्चें जो हमारे पास थी वो, और एक से दो हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से ये तड़का हम इसमें कुकर में डाल देंगे। हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है, बीफ के पाए बन के रेडी हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, आज की रेसिपी बीफ के पाए बन के बिल्कुल रेडी है। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तरह से रेसिपी को फॉलो करना है तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इस तरह से बनेगी। अगर हम इसको आप गर्म गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।